हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू शायद सर एजुकेशन पॉइंट। बेटा आज बात होगी साइकोलॉजी पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सो फार एज एजुकेशन इज कंसर्न, हमने एक यूनिट कंप्लीट किया है, तो आज हमारा जो क्लास होगा वो साइकोलॉजी के रिलेटेड होगा। तो साइकोलॉजी सिक्स्थ सेमेस्टर, यस माई डियर, बहुत सारी कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं कि सर हमारी क्लास कब दोगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका एग्जाम दिसंबर में होगा। आई डोंट नो कि आपका एग्जाम कब होगा। कमेंट सेक्शन में किसी ने बोला था शायद दिसंबर में होगा, बट आई डोंट नो एग्जैक्टली। अगर आपको पता है तो बेटा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम कब है, और अकॉर्डिंगली मैं वीडियोस जो है वो जल्दी जल्दी अपलोड करूंगा। ठीक है, तो आज बात करेंगे साइकोलॉजी के रिलेटेड और यूनिट नंबर वन जो इसके रिलेटेड जो सिलेबस एनालिसिस है वो हमने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया है। आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं कि आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। तो बेसिकली अगर आप ऑप्शन फर्स्ट देखेंगे तो आपके सिलेबस के अंदर आपको पढ़ना है काउंसलिंग। तो काउंसलिंग के बारे में आपको पढ़ना है, यानी काउंसलिंग साइकोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना है। तो इसमें चार यूनिट्स है, तो चार यूनिट्स में बिल्कुल सिंपल है, साइकोलॉजी का सिलेबस बिल्कुल सिंपल है एज कंपेयर्ड टू एजुकेशन। एजुकेशन का थोड़ा बहुत वास्ट सिलेबस है, लेकिन अगर हम साइकोलॉजी की बात करेंगे तो साइकोलॉजी में ज्यादा मतलब सिलेबस नहीं है, साइकोलॉजी में मतलब इतना उतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन दैट्स वाई कि मैंने बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड किए हैं खाली एजुकेशन के रिलेटेड, और आज मेरा पहला क्लास है साइकोलॉजी के रिलेटेड। ओके, तो जुड़े रहे अपने शायद सर के साथ, इंशाल्लाह आहिस्ता 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 सब कुछ कवर होगा, जिस तरह फिफ्थ सेमेस्टर में हमने सब कुछ कवर करके दिया है, तो इसी तरह सिक्स सेमेस्टर में भी हम आपको पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट करके देंगे इंशाल्लाह। तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट जो है दैट्स देखो पढ़ना क्या है आपको, काउंसलिंग। तो सबसे पहली बात जो है, हम डायरेक्टली काउंसलिंग पे नहीं आते हैं, क्योंकि जो चार यूनिट्स इसके अंदर है, तो चार यूनिट्स में पहला यूनिट जो है काउंसलिंग का मतलब क्या है, इसके गोल्स या आप बता सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट देयर आर इंपॉर्टेंट स्टेप्स और वी कैन से प्रोसीजर, हम कैसे काउंसलिंग करते हैं, प्रोसीजर राइट, स्टेप्स भी बोल सकते हैं, या और एक पॉइंट आप लिख सकते हैं कि व्हाट आर द एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं that are actually used in the counseling process. So what are the elements involved in counseling? ये भी हम आपको एक साथ share करेंगे। यहाँ इसमें तो बहुत topics है by the way, but आपके syllabus में जो है हम वही पढ़ेंगे। तो आपके syllabus के अंदर आपको देखना है कि counseling का मतलब क्या है, goals पढ़ने हैं आपको, steps पढ़ने हैं, तो elements automatically जब हम counseling को define करेंगे वो इसी में से आएंगे, ठीक है। एंड लास्ट जो क्वेश्चन है इसमें इथिकल इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली दो ही क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं इसमें, बिल्कुल सिंपल है, शॉर्ट शॉर्ट हम आपको बताएंगे, और अगर आप उतना ही लिखेंगे ना एग्जाम में काफी है, ठीक है। तो इसके रिलेटेड मैंने कई सारे वीडियोज अपलोड किए हैं, लेकिन वो एजुकेशन के रिलेटेड थे, बट सेम थिंग यू नो, ज्यादा डिफरेंस उसमें है ही नहीं, बट स्टिल मैं इसको अलग ही पढ़ाऊंगा। ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जो है आज। तो काउंसलिंग साइकोलॉजी के रिलेटेड थोड़ा बहुत हम आपको बताएंगे, व्हाट इज काउंसलिंग साइकोलॉजी। अब आपको पता है कि साइकोलॉजी इज ऑल रिलेटेड विद व्हाट वी कॉल्ड एज बिहेवियर, ये तो सबको पता है, खासकर साइकोलॉजी वालों को तो पता होना चाहिए। जब भी हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक ही चीज आती है कि वी हैव टू स्टडी ऑल अबाउट बिहेवियर, ठीक है। अब बिहेवियर में बेटा चूंकि हम तीन चीजें पढ़ते हैं, आपकी कॉग्निशन यानी मेंटल कैपेसिटी, आपकी मेंटल एबिलिटी राइट, और बिहेवियर के अंदर हम आपके इमोशंस को पढ़ते हैं, हम अपने इमोशंस को, दैट इज अफेक्शन, दैट इज अफेक्टिव पार्ट, एंड इसमें आपकी एक्टिविटीज, डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज, यानी आपका उठना बैठना, बात करना,
एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, तो दैट इज पुनेटिव यानी साइको मोड, दैट इज साइको मोड। मैं सब आपको ये क्यों बता रहा हूं, देखो दो पार्ट्स है यहां पे, जो भी चार यूनिट्स आपके सिलेबस में है तो चार यूनिट्स में आपको डिस्कस करना है एवरीथिंग अबाउट काउंसलिंग साइकोलॉजी। तो काउंसलिंग साइकोलॉजी में जितने भी यूनिट्स आपको पढ़ने हैं, तो इससे पहले कि हम ये सारे चार यूनिट्स कंप्लीट करेंगे, तो भाई हमें तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि काउंसलिंग साइकोलॉजी का मतलब क्या है। तो इट्स सिंपल, इट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ब्रांच, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इन विच वी स्टडी, इन विच वी स्टडी। अगर प्रॉब्लम्स ऑफ बिहेवियर किसी बंदे में होंगे, वो प्रॉब्लम्स अगर मेंटल प्रॉब्लम्स हो, इमोशनल प्रॉब्लम्स हो, और डे टू डे लाइफ की जो भी एक्टिविटीज के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो इसको असिस्टेंस की जरूरत है, हेल्प की जरूरत है। तो हाउ यू आर एक्चुअली गोइंग टू हेल्प दैट क्लाइंट, हेल्प दैट पर्सन हु इज हैविंग प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द बिहेवियर। अब ये बिहेवियर एक बहुत ही बड़ा वास्ट, यू नो, एक बहुत बड़ा वास्ट चीज है। तो इसके अंदर आपकी मेंटल एबिलिटीज, मेंटल फैक्टर, डिप्रेशन, स्ट्रेस एटसेट्रा, हैसल फॉर लाइफ, राइट। तो मेनी मेनी पर्सन इज दे सफर फ्रॉम सो मेनी प्रॉब्लम्स, देयर प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड विद देयर कॉग्निशन, इज दे आर रिलेटेड विद देयर इमोशन, इज दे आर रिलेटेड विद द कैरियर, दे आर रिलेटेड विद द वोकेशन। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं बंदे में, तो उस बंदे को हेल्प की जरूरत है, एडवाइस की जरूरत है, ताकि वो अपने डिसीजन खुद ले सके आगे। तो ये सब कुछ हम पढ़ते हैं किस साइकोलॉजी में, काउंसलिंग साइकोलॉजी में। तो सिंपली इन काउंसलिंग साइकोलॉजी देयर आर, इन काउंसलिंग प्रोसेस भी हम आगे आपको बताएंगे। तो काउंसलिंग साइकोलॉजी में हमारा टारगेट है कि किसी भी इंसान की मदद करें। तो कैसे मदद करें, किस तरह मदद करेंगे, एज ए प्रोफेशन, एज ए टेक्निक किस तरह हम इसको हेल्प करेंगे, सारी चीजें हम पढ़ते हैं किस में, साइकोलॉजी में, काउंसलिंग साइकोलॉजी में। तो अगर आप असिस्ट कर रहे हो, किसी को हेल्प कर रहे हो किसी बंदे में, ताकि उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो सके, तो यार यू आर डीलिंग विद अ काउंसलिंग साइकोलॉजी एंड यू आर अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपके अंदर एजुकेशनल प्रॉब्लम्स है, लर्निंग प्रॉब्लम्स है, आपको कंटेंट समझ में नहीं आ रहा है, तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हमने आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है उनको दूर करना चाहा, या दूर कर रहे हैं या दूर करेंगे। तो इसका मतलब है जो टीचर है ना, टीचर भी असल में एक काउंसलर ही है। क्यों? क्योंकि ये टाइम बाय टाइम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को दूर करता है। समझ आया? तो याद करो ना, गाइडेंस में हमने आपको पढ़ाया, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, गाइडेंस इज अ फुल फ्लज्ड टर्म एंड काउंसलिंग इज द पार्ट ऑफ द गाइडेंस। वो मैंने डिफरेंस भी आपको बताई थी कि गाइडेंस और काउंसलिंग में फर्क क्या है, लेकिन यहां पे वो सारी चीजें आपको नहीं पढ़नी है। यहां पे आपको पढ़ना है कि काउंसलिंग का मतलब क्या है, काउंसलिंग के गोल्स क्या है, और काउंसलिंग में कौन कौन से एलिमेंट्स और प्रोसीजर्स हैं। दीज थिंग्स यू हैव टू डिस्कस, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू डिस्कस अबाउट इथिकल इशूज। तो चले बेटा, ये वाला पॉइंट आप लोगों ने समझा। नोटिस पे मैं खाली लिखूंगा काउंसलिंग साइकोलॉजी, दो तीन लाइंस लिखूंगा कि इसका मतलब क्या है। काउंसलिंग साइकोलॉजी एक ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है, जिसमें हम दो पर्सन को स्टडी करते हैं, एक पर्सन को कहते हैं क्लाइंट, क्लाइंट किसको बोलेंगे, जिसको प्रॉब्लम है, दूसरा क्लाइंट, दूसरा पर्सन है काउंसलर। तो काउंसलर इज द पर्सन हु इज प्रोफेशनल, हु इज वेल नोन पर्सन, जिसमें स्किलफुल हो, टेक्निकफुल हो, ताकि क्लाइंट के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स है उनको वो सॉल्व कर सकता है। तो ये सारी जो रिलेशनशिप है बिटवीन क्लाइंट एंड काउंसलर, यही तो बेसिकली हम पढ़ते हैं किसमें, काउंसलिंग साइकोलॉजी में। आई होप बेटा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गई। देखो सिंपल है यार, सिंपल, इसको ज्यादा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश ही नहीं करेंगे। बहुत सारे डेफिनेशन अवेलेबल है, उन डेफिनेशन मैं डायरेक्टली लिखूंगा नोट्स पे, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा मकसद यहां पे है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना। अब देखिए चलते बेटा, पहला पॉइंट जो है, पहले काउंसलिंग साइकोलॉजी का तो हो गया, तो काउंसलिंग साइकोलॉजी इज डन नाउ। अब ये काउंसलिंग क्या है ये समझते हैं, काउंसलिंग क्या है। अभी मैंने बताया काउंसलिंग एक रिलेशनशिप है बिटवीन द टू पर्सन,
फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन पर्सन, दिस इज अनदर पर्सन, समझना मेरी बात को। ये जो पर्सन है इस पर्सन को हम नाम रखेंगे क्लाइंट, और पेशेंट आप कह सकते हो। क्लाइंट इज हैविंग ए सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, चाहे वो प्रॉब्लम किसी भी एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर के साथ रिलेटेड हो, बट इट हैज अ प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम डिस्कस करेगा उस बंदे के साथ जो हाईली ट्रेनड हो, हाईली स्किलफुल हो, हाईली नॉलेजेबल हो। तो काउंसलिंग इज नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी, काउंसलिंग इज नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी। अगर हम साइकोलॉजी की बात करेंगे तो साइकोलॉजी में काउंसलर जो है वो हाईली प्रोफेशनल ट्रेनर होता है। ही नो द स्किल्स, ही नो द टेक्निक्स। अगर आपने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसको हम कैसे टॉक थेरेपी से कैसे ट्रीट कर सकते हैं। ही नोज द टेक्निक्स, ही नो द वे आउट इसके प्रॉब्लम, उसको कैसे डील कर सकते हैं। तो इट्स नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी। तो काउंसलिंग हम लोग क्या देखते हैं कि इट इज नथिंग बट इट इज अ प्रोसीजर, और वी कैन से इट इज अ प्रोसेस बिटवीन द टू पर्सन इन विच देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइंट एंड व्हाट काउंसलर। ये रिलेशन क्यों है? ताकि इसके अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स है, इसके अंदर क्लाइंट के पास जितने भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे अफेक्टिव, वट एवर द प्रॉब्लम इज, तो इसको दूर कर सकता है कौन? काउंसलर। अब काउंसलर का यहां पे काम क्या है? एडवाइस देना, हेल्प करना, एडजस्ट करना। इस बेचारे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, घर के रिलेटेड प्रॉब्लम, एजुकेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम, वोकेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम, फैमिली मैरिज के रिलेटेड प्रॉब्लम। अब ये दूर कर सकता है जब ये इसके पास आएगा, ये आपस में इंट्रैक्शन करेंगे। तो इंट्रैक्शन करते करते एक बॉन्ड डेवलप हो जाता है बिटवीन द टू पर्सन। तो जब ये बॉन्ड, एक लव बॉन्ड, अफेक्शन बॉन्ड डेवलप होता है, ये सारी प्रॉब्लम्स को शेयर करेगा किसके साथ? काउंसलर के साथ। जब ये प्रॉब्लम सारे इसके अंदर से निकल जाएंगे, तब जाके ये इसको डायरेक्ट कर सकता है, इनके प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है। अब आपने क्या समझा कि काउंसलिंग का मतलब क्या है? सिंपल, आपके पास अगर प्रॉब्लम है तो आप अपनी प्रॉब्लम मेरे पास लाओगे, मैं इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करूंगा, क्योंकि मेरे पास ट्रेनिंग है, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो अपने हिसाब से मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूं। तो एक बॉन्ड डेवलप हो जाएगा बिटवीन क्लाइंट एंड ए काउंसलर। तो इस रिलेशनशिप को ही हम कहते हैं काउंसलिंग। समझ आ गया बेटा? तो दिस इज ऑल व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इन काउंसलिंग। सो सिंपल, याद रखना है कि देयर आर सिंपली टू एलिमेंट्स। अगर हम एलिमेंट्स की बात करेंगे, बहुत सारे एलिमेंट्स है, बट यहां पे मैं खाली दो चीजें आपको बताऊंगा, तीन चीजें हम आपको बताएंगे कौन कौन से एलिमेंट्स है जो काउंसलिंग में लगते हैं। पहला एलिमेंट दैट इज क्लाइंट। नंबर सेकेंड एलिमेंट जो है दैट इज काउंसलर। इन दोनों एलिमेंट्स को कहते हैं ह्यूमन एलिमेंट। तो जब भी प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग हो जाती है तो आपको दिमाग में रखना है कि टू एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व, वन इज द क्लाइंट, अनदर इज काउंसलर। बट देयर इज अनदर एलिमेंट दैट टेक्निक्स, प्रोसीजर्स और द टूल्स जो काउंसलर इस्तेमाल करेगा किसके लिए? क्लाइंट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो काउंसलर के पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, टेक्निक्स होते हैं। तो जिन टेक्निक्स और टूल्स को यूज करने के बाद ये क्लाइंट के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे ना, उनको वो सॉल्व कर सकता है। तो कल जाके अगर आपको क्वेश्चन आता है कि काउंसलिंग का मतलब क्या है, नेम द थ्री एलिमेंट्स दैट आर इन्वॉल्वड इन काउंसलिंग, तो आपको ये तीन चीजें याद रखनी है। आई होप बेटा दिस इज क्लियर टू यू। तो डेफिनेशन की मैं दो तीन डेफिनेशन लिखूंगा। वो डेफिनेशन जब आप पढ़ोगे ना, आपको ऑटोमेटिकली समझ आएगा कि भाई काउंसलिंग नथिंग, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाइंट एंड द काउंसलर, इन विच काउंसलर ट्राइज टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द क्लाइंट, सो दैट क्लाइंट कैन गेट एडजस्टेड एनीवेयर।
क्लाइंट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, चाहे वो इमोशनल होंगे, चाहे वो सिट्रस के रिलेटेड होंगे, जो भी प्रॉब्लम होंगे, तो वो सॉल्व करेंगे, कौन सॉल्व करेगा, काउंसलर सॉल्व करेगा। तो एक ऐसी रिलेशनशिप बिल्ड हो जाती है, तो इस रिलेशनशिप को कहते हैं काउंसलिंग। आई होप बेटा इट इज क्लियर टू यू। तो अनदर जो काउंसलिंग का जो इंट्रोडक्शन है, आई होप बेटा आपको अच्छी तरह से समझ आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, इसी के साथ हम आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं। तो क्वेश्चन इज नाउ, व्हाट आर द गोल्स, और यू कैन से व्हाट आर द ब्यूटिफुल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ काउंसलिंग। देखिए कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गया, आप किसी भी बुक पे पढ़ सकते हो, आपको फिर आराम से वो समझ आएगा। लेकिन जब आप डायरेक्टली बुक पढ़ते हो तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे। ऑब्जेक्टिव गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ काउंसलिंग में हम 5-10 ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, तो उन 5-10 ऑब्जेक्टिव्स में आपको सारा प्रोसेस समझ आएगा कि व्हाट एक्चुअली द काउंसलिंग इज। तो जस्ट वेट। ओके बेटा, देयर आर सर्टन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ काउंसलिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, बट इसके बाद और एक टॉपिक थोड़ा बहुत हम आपको बताएंगे, थोड़ा बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काउंसलिंग के बारे में भी हम आपको बताएंगे, वो ऑटोमेटिकली आपको समझ आएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स, गोल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, मीनिंग एक ही टॉपिक है, बिल्कुल सिंपल है, इजिली आपको समझ आएगा। जितना मैंने आपको कहा है वही आपको कन्वर्ट करना है इनटू कैरेक्टरिस्टिक्स, वो आपको अच्छे से समझ आएंगे। लेकिन जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं ना, इनको थोड़ा बहुत आपको इलाबोरेट करना है, बिकॉज दे आर वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, और मुझे उम्मीद है बेटा आप अच्छे से कर पाओगे। तो गोल्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ काउंसलिंग क्या है, काउंसलिंग क्यों करना जरूरी है, व्हाट इज द नीड एंड इंपॉर्टेंस, आपके दिमाग में ऐसा क्या है जब आप काउंसलिंग करने जाते हैं, या काउंसलर किसको कहेंगे, काउंसली किसको कहेंगे, या क्लाइंट किसको कहेंगे, काउंसलिंग क्यों जरूरी है, कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको आपने टारगेट बनाना है, गोल्स जिसको हम बताएंगे। ठीक है, तो चलते बेटा, 2-4 पॉइंट्स मैंने यहां पे कवर अप किए हैं। तो सबसे पहली बात जो है, मैंने अभी आपको कहा काउंसलिंग में क्लाइंट होता है या काउंसली होता है, उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मेन चीज है जब वो काउंसलर के पास जाएगा ना, इसका दिमाग में होता है कि भाई मेरी प्रॉब्लम्स दूर होने चाहे, है ना। तो जब ये काउंसलर के पास आएगा तो ये क्या करेगा, इसको हेल्प करेगा, सिंपल। तो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ काउंसलिंग, सिंपली टू हेल्प द क्लाइंट। तो जो भी इसके साथ प्रॉब्लम्स होते हैं उनको दूर करना। तो अगर ये सारे प्रॉब्लम्स दूर नहीं हुए तो उस काउंसलिंग का क्या फायदा। याद रखना है, काउंसलिंग इज ऑलवेज ए प्रोफेशनल एंड इट नीड्स अ गुड ट्रेनर, इट नीड्स अ हाईली एक्सपीरियंस्ड पर्सन, इट इज नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी एंड यू कैन गो एंड यू कैन ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम टू दैट वेरी पर्सन। नो, तो यू मस्ट चूज द बेस्ट पर्सन, जो हाईली ट्रेनड हो, हाईली एक्सपीरियंसड हो, जिसमें आपको एक्सपेक्टेशन हो कि भाई जब मैं वहां पे जाऊं तो मेरे सारे प्रॉब्लम्स दूर होने हैं। ठीक है, तो सिंपल मुझे यहां पे आपको क्या समझाना है कि गोल्स, पहला गोल क्या है, तो हेल्प द क्लाइंट, या आप खुद ही एक्सप्लेन कर सकते हो। नंबर सेकंड, अब कोई बंदा आपके पास आएगा, से फॉर एग्जांपल आप एक बड़े काउंसलर हो, एक्सपीरियंसड हो, कोई क्लाइंट आपके पास आएगा तो सच बोलो यार इसके अंदर कितने प्रॉब्लम्स होंगे, बहुत सारे। उन प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने के बाद उसको डिस्करेज करना है कि एनकरेज करना है, जाहिर सी बात है एनकरेज करना है। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब कोई डॉक्टर के पास जाता है, अगर डॉक्टर उसको कहेगा इतने दिन तो कहां थे वो ये, तो उसको डिस्करेज करता है कि शायद मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है इसलिए डॉक्टर ऐसा बोल रहा है। अगर कोई भी खतरनाक बीमारी क्यों ना हो, अगर डॉक्टर कहेगा कि भाई कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, तो हम इसको यूं ठीक करके देंगे, तो हाफ 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 इज एन एलाज ना, जो इतनी डन नसीब चु पेशेंट वाला। लेकिन जब हम इसको डिस्करेज करेंगे तो उसको लगता है कि भाई प्रॉब्लम जब खतरनाक है, अब मैं ठीक होने वाला नहीं हूं। तो ये एटीट्यूड होना चाहिए काउंसलर का। टीचर स्टूडेंट, अगर टीचर रूड बिहेवियर दिखाएगा स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट दूसरी बार क्लास में नहीं आएगा ना। तो स्टूडेंट और टीचर के दरमियान एक कॉन्जीनियल रिलेशनशिप होनी चाहिए, एक लवेबल और एम्पैथेटिक रिलेशनशिप होनी चाहिए, तब जाके टीचिंग लर्निंग कामयाब है। सेम इज द केस विद क्लाइंट एंड काउंसलर। अगर काउंसलर बहुत अच्छा है, काउंसलर अपने क्लाइंट के प्रॉब्लम उसको पूरी तरह अंडरस्टैंड करता है, तो ये कभी उसको डिस्करेज नहीं करेगा, वो ऑलवेज एनकरेज करेगा। तो अगर एनकरेजमेंट मिल रहा है ना क्लाइंट का, तो हाफ ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व। तो दिस इज
टू एनकरेज द क्लाइंट, इतना तो आप लिख सकते हैं ना. नंबर नंबर नेक्स्ट, टू रिलीव डिस्ट्रस, इट इज अगेन एनकरेज. जब आप करोगे ना उसके अंदर जो डिस्ट्रस्टेड कंडीशन है वो ऑटोमेटिकली रिलीव हो जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली रिलीव, उसका जो टेंशन है ना वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. लेकिन आपका एटीट्यूड, काउंसलर का एटीट्यूड बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए टुवर्ड्स द क्लाइंट. ऐसा नहीं कि आप समझो कि काउंसलर हूं, ये क्लाइंट है, उसको दूसरे तरीके से देखोगे. आपके पास क्लाइंट बहुत तरीकों के आएंगे, कोई गरीब होगा, कोई अमीर होगा, कोई अच्छा होगा, कोई बुरा होगा, है ना. तो आपको हर किसी के साथ अच्छा रहना है, अच्छा एटीट्यूड रखना है हर किसी पेशेंट के रिलेटेड. तो अगर आपने ऐसा किया तो यू कैन डेफिनेटली रिलीव डिस्ट्रेस फ्रॉम द क्लाइंट. तो टू रिलीव द डिस्ट्रेस, ये भी एक ऑब्जेक्टिव और गोल है किसका, काउंसलिंग का. काउंसलिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है अगर बिहेवियर में प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को दूर करना है तो ऑटोमेटिकली यू कैन चेंज द बिहेवियर. तो क्या मैंने लिखा, टू चेंज बिहेवियर. ओके, सो सिंपल. प्रॉब्लम्स किस में है, बिहेवियर में. तो बिहेवियर में जब प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा. ओके, नंबर नेक्स्ट, हेल्प क्लाइंट टू बिल्ड हिज पोटेंशियलिटीज. राइट, जिस बंदे में प्रॉब्लम्स होते हैं ना उसको पता ही नहीं होता है कि मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है. उन पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करना, उन पोटेंशियल को मतलब पहचानना, ये काउंसलर का काम है. तो काउंसलिंग में जब हम आपको अच्छी काउंसलिंग कहते हैं ना कि हर किसी बच्चे में एक हिडन टैलेंट होता है और वो हिडन टैलेंट निकालने वाला कौन है. अगर आपके पास कोई पेरेंट अच्छा हो, आप पेरेंट्स अच्छे हो, पेरेंट अच्छी तरह से अपने बच्चे के टैलेंट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पेरेंट के बाद जो दूसरा पर्सन है जो ये काम कर सकता है वो टीचर है. तो टीचर बेसिकली आपके हिडन टैलेंट को बाहर निकालता है. आपको अंडरस्टैंड हो जाता है कि मेरे अंदर कितने पोटेंशियलिटीज हैं, बट यू डोंट नो. बट इट इज द टीचर जो आपको कहता है कि आप में टैलेंट है, आप अपनी जिंदगी में कुछ कर सकते हो. तो मैं कह रहा हूं आपको कि आप हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे अंदर कितने हिडन टैलेंट होते हैं, हिडन पोटेंशियलिटीज होते हैं, लेकिन वी डोंट नो. बट इट इज द टीचर, इट इज द काउंसलर. ओके, सो दैट कैन एक्चुअली हेल्प यू इन दैट. तो दिस इज वॉट वी कॉल्ड एज हेल्प क्लाइंट टू बिल्ड हिज पोटेंशियलिटीज. राइट, अनदर सेम थिंग, टू डेवलप स्पेशल एबिलिटीज एंड राइट एटीट्यूड. तो ये भी इसी के साथ रिलेटेड है. आई होप बेटा इस वाले पॉइंट को आप खुद ही अंडरस्टैंड करोगे. नंबर नेक्स्ट इज द लास्ट वन इज टू डेवलप एंड मेंटेन ओवरऑल पर्सनैलिटी. तो ओवरऑल पर्सनैलिटी को मेंटेन करना, ये भी किसका काम है, ऑब्जेक्टिव है काउंसलिंग का. बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपकी पर्सनैलिटी के रिलेटेड होंगे, तो जब आप काउंसलर के पास आ जाओगे तो काउंसलिंग सेशन आप लोगे, तो उसके बाद आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होने ना पर्सनैलिटी के रिलेटेड, तो इनको हम आपको मेंटेन करना है, दूर करना है, तो ताकि आपके अंदर ओवरऑल पर्सनैलिटी जो है वो मेंटेन रहे, वो डेवलप हो जाए. अगर ऐसा डेवलप हुआ तो इसका मतलब है ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुआ, किसका, काउंसलिंग का. तो दिस वॉज ऑल अबाउट बेटा काउंसलिंग एंड इट इज गोल्स. तो कल इंशाल्लाह मैं और एक वीडियो और एक लेक्चर इसी के रिलेटेड अपलोड करूंगा, जिसमें हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और बहुत कुछ, मतलब जो भी मेरे जहन में होगा इसके रिलेटेड हम बात करेंगे. तब तक के लिए खुदा हाफिज, मे अल्लाह ब्लेस यू. और मुझे उम्मीद है कि बेटा आप लोगों ने इस लेक्चर को बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा. अगर रियली तो लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एज मच एज पॉसिबल. कमेंट तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि वो तो आप नहीं करते हो, बट एटलीस्ट ये तो कह सकता हूं कि मेरी चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो. और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लस हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट माई लेटेस्ट अपडेट्स. थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग.